आपके भी दांतों में अगर दर्द रहता है, मसूड़ों में सूजन है, स्वेलिंग है और मसूड़ों से लगातार खून आता है, मसूड़ों में हल्का हल्का पेन होता है, तो आपके लिए ये वीडियो होने वाला है बहुत ही यूज़फुल, अगर आपको भी दांतों से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे वीडियो लाइक कर लें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें अगली नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलिए अब आपको हम बताते हैं कि हमारे पास, देखिए वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं, हमारे पास ये है स्टोलिन, स्टोलिन गम पेंट। जी हाँ, किसी भी मेडिकल स्टोर पे आसानी से आपको अवेलेबल हो जाएगा, ये स्टोलिन गम पेंट के नाम से मिलता है। और यहाँ पे इसकी प्राइस की बात करें तो 105 रुपये 75 पैसे की ये हमारे पास में स्टोलिन गम पेंट जेल है। और यहाँ पे हम आपको बता दें इसकी एक्सपायरी डेट है जो 4/26 है। तो यहाँ पे हम आप एक बहुत लंबी एक्सपायरी इसकी, तो जब भी आप मेडिकल जनरल स्टोर से कुछ भी मेडिसिन खरीदते हैं तो कृपया करके प्लीज़ आप एक्सपायरी डेट को ज़रूर देख लें, क्योंकि एक्सपायरी डेट देखना बहुत ज़रूरी है और जितनी लंबी एक्सपायरी होगी उतना ही हमें फ़ायदा मिलेगा। और यहाँ पे बता दें, बात करते हैं डॉक्टर रेडिस कंपनी की, ये जो गम पेंट है स्टोलिन की, ये रेडिस, डॉक्टर रेडिस की है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इफ़ेक्टिव है, बहुत ही शानदार इसका रिज़ल्ट है। और मैंने खुद ने इसको यूज़ किया है और ये मैंने यूज़ करने के बाद ही आपको इसका यहाँ पे वीडियो शेयर आपके साथ कर रही हूँ। तो अगर आपको भी इस तरह से मसूड़ों में सूजन रहती है, मसूड़ों के अंदर अगर आपको दर्द है या मसूड़ों से आपके खून आता है, तो इस तरह से आप भी इस स्टोलिन गम पेंट का यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर स्टोलिन गम पेंट जो है ये यहाँ पर इस तरह से एक प्लास्टिक की शीशी में इस तरह से बनी हुई आती है। और स्टोलिन गम पेंट जो है यहाँ पे टोटली मिलता है हमारे को इसके अंदर 15 ml। जी हाँ, टोटली इसके अंदर 15 ml ये स्टोलिन गम पेंट आता है और 105 रुपये का है। एक्सपायरी इसकी काफ़ी लंबी है, काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट है, बहुत ही बेटर है। और इस तरह से आप एक बार यूज़ करें और यूज़ करने के बाद में अगर आपको भी फ़र्क पड़ता है, यानी कि इसको इस तरह से लगाना है कि आपको माउथ के अंदर जहाँ पे मसूड़ों में स्वेलिंग है, सूजन है, वहाँ पे हल्का सा इसको रब करना है और थोड़ी देर के लिए आपको पानी, चाय कुछ भी यूज़ नहीं करना है, मुंह बंद करके इसको वहाँ पे लगा रहने देना है। 2 से 3 मिनट में ये अपना काम कर देती है, उसके बाद आप इसको थूक सकते हैं, कुल्ला कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें हल्का सा कड़वापन होता है, बट नॉर्मली ये आपको इतना कड़वा नहीं लगेगा, बस जहाँ पर आपकी स्वेलिंग है वहाँ पर आप थोड़ा सा इसको लगा लें। लगाने के बाद आप इसको 2 से 3 मिनट, 5 मिनट जितनी देर रख सकते हैं उतनी देर के लिए रख लें, और रखने के बाद में आप इसको थूक सकते हैं, कुल्ला कर सकते हैं और इजीली ये आपको प्रोसेस करना। इसको लगाने का टाइम ये है कि आप रात को सोते समय ब्रश करने के बाद लगा सकते हैं, मॉर्निंग में आप ब्रश करने के बाद इसका यूज़ कर सकते हैं। और जब भी आप इसको मुँह में यूज़ करते हैं तब आपका माउथ जो है क्लीन होना चाहिए। तो आप चाहें तो नॉर्मली पानी से भी वॉश कर सकते हैं और आप चाहें तो ब्रश करके भी यूज़ कर सकते हैं, बस आपका माउथ जो है वो क्लीन होना चाहिए। और इसको रब करना है, रब करके लगाना है। 15 मिनट बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, बट आपकी कैपेसिटी के ऊपर है, आप इसको कितनी देर तक अपने माउथ के अंदर रख सकते हैं, जितनी देर आप रखेंगे उतनी देर रख लें। ये अपना काम 2 से 3 मिनट में कर देती है मेडिसिन।